दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी का खैर मकदम करती हूं मैं। अक्सर आपने देखा होगा कि माता पिता अपने 10 बच्चों को पालते हैं। वो बच्चे 6 भी हो सकते हैं, वो बच्चे 4 भी हो सकते हैं, वो बच्चे 2 भी हो सकते हैं। उनको पढ़ाने लिखाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते, एक बात। दूसरी बात, जो पिता का घर होता है वो हमेशा बेटे का घर होता है, लेकिन बेटे का घर जो होता है वो कभी पिता और माता का नहीं होता, ये भी आपने देखा होगा। एक और बात, वो बात ये है कि माता पिता अपने बच्चे को बड़ा करने में अपना पूरा समय लगा देते हैं, लेकिन वही बच्चे जब पढ़ लिख जाते हैं तो उनके पास अपने माता पिता के लिए समय नहीं होता। एक कहानी आपसे शेयर करने जा रही हूँ, आपको आपके दिल को छुए तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ये कहानी लखनऊ के एक उच्च वर्गीय बूढ़े पिता की है और उसने जो एक पत्र अपने बच्चों के नाम लिखा, वो समझिए कि पिता का समाज के पुत्रों के नाम वो पत्र है उसका। वो पत्र लिखने के बाद उसने खुद को गोली मार ली। ये चिट्ठी क्यों लिखी, उसमें क्या लिखा, ये जानने से पहले ये जरूरी है कि पूरा माजरा क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि पिता सेना में कर्नल के पद से रिटायर हुए थे। वे लखनऊ के एक पास कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। उनके 2 बेटे थे जो अमेरिका में रहते थे। यहाँ ये बताने की जरूरत नहीं है कि माता पिता ने अपने लाडलों को पालने में कोई भी कोर कसर रखी होगी। बच्चे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, पढ़ लिख कर कितने योग्य हो गए कि दुनिया की सबसे नामी गिरामी कॉरपोरेट कंपनी में उन्हें नौकरी मिल गई। संयोग से दोनों भाई एक ही देश में रहते हैं, अमेरिका में, लेकिन अपने परिवारों के साथ अलग अलग। एक दिन अचानक पिता ने रुआसे गले से बेटे को खबर दी, बेटे तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पत्नी की मिट्टी के साथ बेटों के आने का इंतजार करते रहे। एक दिन बाद छोटा बेटा आता है जिसका घर का नाम चिंटू था। पिता ने पूछा, चिंटू मुन्ना क्यों नहीं आया, यानी कि बड़ा भाई क्यों नहीं आया। पिता ने कहा कि उसे फोन मिलाया और वो पहली उड़ान से उसे आना चाहिए था और धर्मानुसार बड़े बेटे का आना, जैसा कि हमारे समाज में होता है, बड़ा बेटा आकर के अपने माता पिता को मुखाग्नि देता है। छोटे बेटे के मुंह से अचानक से सच निकल ही गया। उसने पिता से कहा, मुन्ना भैया से कहा था कि माँ की मौत में तुम चले जाओ और पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। कर्नल साहब यानी कि बच्चों के पिता कमरे के अंदर गए, खुद को कई बार संभाला और फिर उन्होंने चंद पंक्तियों का एक पत्र लिखा जो इस तरीके से था, प्रिय बेटो, मैंने और तुम्हारी माँ ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, दुनिया के सारे सुख दिए, देश दुनिया के बेहतरीन जगहों पर तुम्हें शिक्षा दी। जब तुम्हारी माँ अंतिम सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। मैं मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी और तुम दोनों को बाहों में भर करके चूमना चाहती थी। तुम लोग उसके लिए वही मासूम मुन्ना और चिंटू थे। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए मैं था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मुझे हौसला बढ़ाने के लिए मेरे पास होते। मेरी मौत के बाद मेरी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को आना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि अपनी माँ के साथ मुझे निपटा कर ही जाओ तुम। मुझे जीने का कोई हक नहीं है क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन भर धन के साथ सम्मान दिया, मैंने समाज को क्या दिया, तुम जैसे असभ्य नागरिक। अच्छा रहा कि हम अमरीका में जाके नहीं बसे, नहीं तो सच्चाई दब जाती। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मेडल और मेरे फोटो बटालियन को लौटा दिया जाए और घर का पैसा नौकरों में बांटा जाए, जमा पूंजी आधी वृद्धाश्रम में दी जाए और आधी सैनिक कल्याण में दे दी जाए। तुम्हारा पिता। और इसी के साथ कमरे से ठाए की आवाज आती है, कर्नल साहब खुद को गोली मार चुके थे। ये क्यों हुआ, किस कारण हुआ,
कोई दोषी है या नहीं, इसके बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये काल्पनिक कहानी नहीं है, ये लखनऊ के पॉश इलाके की सच्ची कहानी है। दोस्तों, आपने इस कहानी को सुन करके क्या सोचा? मैं चाहूंगी कि आप अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इतना ही, आपसे फिर मिलूंगी किसी और कहानी के साथ। आप अपना और अपने माता पिता का ख्याल जरूर रखें। जय हिंद।